हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समथिंग फिशी। आज आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लाया है एक छोटा सा रेड ईयर, जिसे रेड स्लाइडर टर्टल भी कहते हैं, और हम आज इसका एक छोटा सा टैंक सेटअप, छोटा सा नहीं, डिसेंट साइज़ का, जो इसके साइज़ के लिए एक परफेक्ट है, वो वाला टैंक सेटअप करने वाले हैं, जो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थोड़े आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा टर्टल्स के बारे में, कि उसके कैसे रखा जाता है, क्या केयर किया जाता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इसके लिए। सो माय नेम इज़ इमरान शेख, लेट्स बिगिन द वीडियो। अभी मैंने इसे लाया है तो ये बैग में ही था, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको, फॉर द टाइम बिंग, जब तक हम अपना टैंक सेटअप नहीं कर लेते हैं, हम इसे एक टब में रख देते हैं, जिसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। एकदम भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो स्ट्रेस आउट होकर थक ना जाए कि यहाँ वहाँ स्विम करते हुए, तो थोड़ा पानी, जिससे वो एटलीस्ट अपना, देखो जैसे ये मुँह बाहर निकाल रहा है, वैसे मुँह बाहर निकाल सके। एंड देन लेट्स गो एंड सेट अप आवर टैंक। सो टैंक के लिए मैं ये 1 फीट का टैंक यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारे जो अभी बेबी टर्टल है उसके लिए इनफ है। जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा होगा, आपको अपना टैंक भी चेंज करना पड़ेगा, बट फॉर दिस साइज़ अब ये बहुत इनफ है। तो इसके पीछे एक्चुअल में वॉलपेपर जैसा लगा है, जो मैं निकालने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे सनलाइट भी अच्छे से मिले, जो कि मैं एक रूम में रखने वाला हूँ जहाँ से पीछे से सनलाइट आती है। सो ये मैं निकाल देता हूँ। सो एज़ ये कोल्ड टैंक है, मैं इसे फटाफट धो लूँगा नॉर्मल वाटर से और एक स्क्रब से। इस पर थोड़े से वाटर मार्क्स है, तो उसको अच्छे से मैं वॉश करके धो लूँगा, सो दैट क्लीन थोड़ा सा लगे। अब ज़रूरी नहीं, आपके पास अगर आप कोई दूसरा टैंक भी यूज़ कर रहे हो तो इससे बड़ा हो तो इवन बेटर, बट आपके लिए ये वाला, ये साइज़ के लिए ये भी इनफ है। नेक्स्ट आपको इसमें थोड़े से पेबल्स चाहिए, कोई भी कलर के, कुछ भी चलेंगे, और एक बास्किंग एरिया टाइप चाहिए। ये मुझे एक्वेरियम शॉप में एक अच्छा दिखा, जो टर्टल के लिए बास्किंग के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगा चढ़ सकते हैं उस पर, जाके सनलाइट एंड एवरीथिंग ले सकता है जब उसको वाटर में ना रहे, तो एक आपको ऐसा कुछ लेना होगा। एंड इसके साथ ही आपको एक एक्वेरियम लाइट जो नॉर्मल होती है वो लगेगी। इसी के साथ आपको एक यूवी लाइट की भी बहुत ही ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्टल के शेल्स के लिए। इसी का मैं एक रिव्यू वीडियो भी बहुत ही जल्द डालने वाला हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ आपको अभी फिर आपके पेबल्स ले लेने हैं, या जो भी आप ग्रेवल ले रहे हो वो लेके आपको टैंक में डाल देने हैं, जैसे आप अपना टैंक सेट करना चाहते हो उस हिसाब से। जस्ट टू कीप इन माइंड, आपको वो बास्किंग एरिया भी रखना है। तो उसी तरह से मैंने ये पेबल्स सेटअप कर दिए, और अलग अलग पोजिशन में मैंने ट्राई किया वो बास्किंग एरिया कहाँ पर सही होगा, कहाँ से टर्टल ईजीली उस पर जा पाएगा, एंड कैसे मैं अपने पेबल्स थोड़े से हाई रखूँगा तो उस पर से वो इजीली चढ़ जाएगा। सो थोड़े सा आप अपना सा दिमाग लगा के उसमें कहाँ पे क्या रखना है उस हिसाब से रखिए। मैंने पहले लेफ़्ट में रखा, देन राइट में रखा, देन फाइनली लेफ्ट में रख लिया मैंने। एंड देन आपको उसमें पानी भर देना है, और प्लीज़ ध्यान रखिए कि पानी आपको एकदम भरना नहीं है ज़्यादा। मैंने बहुत लोग को देखा है जो फुल टैंक भर देते हैं, उसमें अपना टर्टल छोड़ देते हैं, तो वैसा ना करिए तो वो बेटर होगा, क्योंकि उनको वाटर प्लस लैंड दोनों चाहिए होता है। सो वो ऊपर तो इतना ही पानी भरिए जिसमें वो नीचे इसका पैर टच भी कर सकता है, और ऊपर बास्किंग एरिया में चढ़ भी सकता है इजीली। इसके बाद आपको अपना एक्वेरियम लाइट ऑन कर देना है। यूवी लाइट एंड ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है, सो आपको एक्वेरियम लाइट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूवी लाइट आप पूरे टाइम नहीं ऑन रखोगे, थोड़े टाइम के लिए रखोगे। एंड सॉरी, मेरा थोड़ा टैंक खराब ही लग रहा है, क्योंकि ये पुराना टैंक है, बट आप अपना टैंक अच्छा लेकर आओगे तो आपको लुक भी अच्छा बैठेगा। सो दिस इज़ हाउ माई टैंक इज़ लुकिंग राइट नाउ। अब इसमें हम अपना टर्टल ऐड करेंगे जेंटली, जिसको हमने टब में रखा था, जेंटली उसको पानी की तरफ छोड़ देंगे एंड थोड़ा उसको एक्सप्लोर करने देंगे। आपका जो टर्टल है वो स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रेस्ड होगा, क्योंकि नया ही जगह है अचानक से, तो थोड़ा देखेगा यहाँ वहाँ, घूमेगा, शायद ऑलमोस्ट एक दिन के लिए वो स्ट्रेस हो सकता है, बट ओवर द टाइम ही विल गेट
एक्लेमेटाइज टू दिस टैंक एंड वो स्टार्ट कर देगा अपना फीडिंग वगैरह सही से। फिर मैंने कॉर्नर में एक प्लांट ऐड कर दिया, फेक प्लांट है ये, रियल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गैप बन रहा था जहाँ पे टर्टल गिर सकता था, सो मैंने वहाँ पे प्लांट ऐड कर दिया। अभी तो टर्टल नीचे इसके शेड में है, थोड़े टाइम में वो घूमने फिरने लग जाएगा। मैंने इस पर यूवी लाइट भी बाद में लगा दी, अभी नहीं लगी हुई है, मैं बाद में लगा दिया मैंने इस पर, और आपके एंड में वो दिखेगा कि हाउ ही वॉज बास्किंग एंड एन्जॉइंग द लाइट। सो या दिस इज़ द एक्चुअल टैंक सेटअप राइट नाउ। आप देख सकते हो ये टर्टल हमारा एक्सप्लोर कर रहा है सारी जगह और आई थिंक ही इज़ लाइकिंग इट। और ये प्लीज़ कीप नोट कि ये वाला टैंक सेटअप सिर्फ इतने जो इंच के, 2 से 3 से 3.5 इंच के, 4 इंच के मैक्सिमम है टर्टल है उनके लिए ही है। जैसे ही वो और बढ़ेंगे आपको टैंक चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा और बड़ा एक टैंक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लिप में आप ये देख सकते हो मैंने यूवी लाइट ऐड कर दी है एंड कैसे बहुत ही आराम से हमारा टर्टल बैठा है और अपनी यूवी लाइट एंजॉय कर रहा है। ये देखिए आप ऊपर जो लगी है वो यूवी लाइट है, और यूवी लाइट को ध्यान रखिए दिन में आप 1-1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को ऑन रख सकते हो। फूड के लिए मैं इसका हेलो फीड बेबी टर्टल फूड है ये यूज़ करता हूँ, इसमें उसे भी पसंद आता है ये, एंड मोस्टली तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं भी। 95 रुपीज़ MRP है इसकी, बट ये सस्ते में मिल जाएगा आपको। और आप इसको दो पैलेट दिन में 2 बार, यानी कि 2-2 करके सुबह 2 बार दे दिया और 2 पैलेट दे दिया और शाम को 2 पैलेट दे दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड इट एंड आपको कुछ नया समझ आया है कि आप एक अपने टर्टल, छोटे टर्टल के लिए सिंपल सा टैंक सेटअप कैसे कर सकते हो एंड उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। इसके रिलेटेड मेरे और वीडियोज़ आने वाले हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शो योर लव। थैंक यू।